2024 के इलेक्शन हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि देश के अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय जनता दल मुकम्मल तरीके से चुनाव लड़ने का ऐलान साफ तौर पर कर चुकी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं और हर जगह पे पार्टी का मीटिंग भी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी मुकम्मल तरीके से तैयारी में जुटे हैं। हम अभी आए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पटना में और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, और सबसे खास बात ये आज है कि केरला की टीम, जो टीम है प्रदेश कमेटी की, वो पार्टी और किस तरीके से मजबूत हो पहुंची है यहाँ, और कुछ ही देर के बाद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए ये जाएंगे 10 नंबर सर्कुलर रोड। हम बातचीत करेंगे सर, सबसे पहले आप बताइए क्या कहेंगे आप? आई एम एडवोकेट मनोज तिलपल्ली फ्रॉम त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला, RJD डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। क्यों आए हैं आप पटना में लालू यादव से मुलाकात करने? यस यस ओके। अच्छा, चलिए आप बताइए लालू जी से मिलने के लिए आए क्या कहेंगे आप? आई वॉन्ट टू मीट लालू जी टू सी एंड एक्सप्रेस माई आइडियाज टू हिम एंड रिसीव सम आइडियाज फ्रॉम। मतलब लालू यादव से आप टिप्स लेने आए हैं कैसे और पार्टी और मजबूत करेंगे वहाँ पे, यही ना? या चलिए आप बताइए क्या कहेंगे। मेरा नाम जॉन सैमुअल, आई एम जनरल सेक्रेटरी केरला स्टेट किसान RJD। चलिए सबसे सर ये बताइए कि क्या मकसद रहा है पटना पहुँचने का? खासतौर पर पटना पहुँचने के लिए मैं लालू प्रसाद यादव जी को मिलने का है और इधर पार्टी लीडर्स को मिल के हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए बात करने के लिए आया। उधर कैसे चलने का है आप टिप्स लेने के लिए पूरा बाकी हमारा सर बताएगा। देखिए आप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद तो पार्टी को मजबूत कर ही रहे हैं, राजद सुप्रीमो भी हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव जो है कि बिहार में अभी उप मुख्यमंत्री हैं और पार्टी को मजबूत भी कर रहे हैं, क्या उनको भी आप बुलाने के लिए आए हैं कि आप केरला आए? केरला पे बुलाने के लिए और उसका भी वो अभी तेजस्वी हमारा तो लीडर है ना, उसमें क्या है वो लालू प्रसाद तेजस्वी वो पूरा हमारा लीडर है, वो सब लीडर्स को मिलने के लिए इधर आया। इस बार चाहेंगे कि केरला में भी RJD चुनाव लड़े लोकसभा? अभी तो केरला पे RJD है, RJD अभी केरला पे UDF का साथ है, UDF मीन्स कांग्रेस का साथ है, अभी उधर बराबर चल रहा है, वो इधर आके भी हमारा बात इसको बात करने के लिए आए हम। अच्छा चलिए आप कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं, आप बताइए क्या कहेंगे आप? मैं वेन्ना कुट्टपन प्रदेश सचिव है, लालू जी तेजस्वी यादव मिलना कर रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम टोमी जोसेफ है, मैं किसान RJD का केरला का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली हम इधर आए हुए लालू जी को मिलने के लिए, एक तो केरला में अभी पार्टी हमारा RJD बहुत आगे आ रहे, क्योंकि ये UDF कांग्रेस जो लीड करते हैं वो यूनिट में हमारा जो है वो आज अच्छा पोजीशन में भी है, और आजकल जनता परिवार से लोग RJD में एंट्री होने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो हम इधर के प्रेसिडेंट के बात करके कैसे हम वो लोगों को हमारा पार्टी, क्योंकि हमारा जो पार्टी के लल्लू जी और तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसके हिसाब से वो लोगों को भी हम इकट्ठा करके जो केरला में जो जनता परिवार को शक्ति करने के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं, इसलिए हमने इधर पहली बार आया हुआ है, और हमने इधर आने से हमको बहुत खुशी हो गया, क्योंकि इधर का RJD का जो भी लोग हमको जो स्वागत किया उसमें से हम सब बहुत खुशी में भी है, और इधर लोग आने के बाद हमको तो मालूम हो गया हम भी एक बड़ा पहाड़ जो ये है उसके साथ हम भी जो खड़ा हो गया करके हमको अभी अभिमान भी है, और आगे हमारा पार्टी क्योंकि नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में केरला का सबसे मेन जो ये क्या है मतलब राहुल जी जो किधर जो खड़ा होता है वो केरला के वायनाड पार्लियामेंट सीट में है, जो इंडिया गेट जो बनाया है वो लालू जी के नेतृत्व में वो कांग्रेस के साथ जो हो रहे वो, इसलिए जो उधर के RJD लोग को इतना जो प्रभाव हो जाता है, क्योंकि राहुल जी को जीतना और राहुल जी के लिए भी इंडिया मुन्नी के आगे जाने का RJD का भी साथ होना, इसलिए हम वो भी जो लालू जी का कैसा बात है हम कैसे करने का, क्योंकि हमारा पार्टी आगे केरला में कैसा साहब है केरला में कैसे RJD मजबूत हो और महागठबंधन कैसे मजबूत हो, उसी मकसद से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं पटना। आप बताइए क्या कुछ मकसद है, लालू जी से मुलाकात करेंगे तो क्या कुछ बात होगी?
वो लालू जी को थोड़ा बात करेगा, वो गरना के मिलने के लिए बात करेगा, थोड़ा इलेक्शन को बात करेगा, पूरा ऐसा है राष्ट्रीय डिस्कशन से, इसलिए आएगा। अभी देश के जो हालात हैं, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम चल रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत ख़राब है। वो इसलिए वो 2024 को बिल्कुल चाहिए इंडिया को, एक ही काम है वो खाली प्रधानमंत्री को बनाने के लिए, इसलिए वो कांग्रेस को ऊपर बनाने के लिए ऐसा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव भी युवा हैं, आप भी एक यूथ हैं, तो आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं केरला में पार्टी को और मुकम्मल तरीके से मजबूत करने के लिए? मैं एपी यूसुफ अली मड़वूर, केरल का यूथ स्टेट प्रेसिडेंट। नेता सेम आंसर में नेता लालू प्रसाद यादव जी एंड तेजस्वी यादव जी इन 2024 इलेक्शन विन प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव जी आग्रह है। यहाँ पार्टी में जो तमाम पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुकम्मल तरीके से इन लोगों का स्वागत किया, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं? ये हमारे केरल से लोग आए हैं, पार्टी के हमारे साथी हैं, और हाल ही में हमारे नेता भी गए थे केरला, बीच में राष्ट्रीय महासचिव श्याम जी भी गए थे। तो 24 का जो चुनाव है उसको देखते हुए ये लोग आए हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ टिप्स लेने के लिए, और अभी इनको 6 बजे हम लोग ले जाके मिलवाएंगे। यही मकसद? हाँ, यही मकसद है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची